1998 में भारत में परमाणु परीक्षण किए गए थे, लेकिन इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी थी। अब इसी पर एक फिल्म बनी है परमाणु, जिसमें जॉन अब्राहम है और फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक शर्मा ने। दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। जॉन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये बहुत डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट है, एक बहुत कोवर्ट सा ऑपरेशन था, ये डॉक्यूमेंट्स भी बहुत क्लासिफाइड होते हैं, इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आपने प्रोड्यूस किया और इसमें काम किया है आपने, पहले तो ये जानना चाहूंगा कि कैसे आप राजी हुए कि इस पर एक फिल्म बनाई जाए। जी, पहले तो मैं नॉन फॉर्मूला फिल्म्स करता हूँ, मुझे वो पसंद है। और जब ही अभिषेक ने यही रूम में मुझे ये आइडिया नरेट किया था, आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई सेड वाओ, मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में हमारी जो यूथ है ज़्यादातर, दे वुड नॉट नो अबाउट दीज टेस्ट। तो मैंने कहा कि वी मस्ट डू दिस। तो दूसरा सवाल जो उठा माइंड के अंदर वो ये था कि हाउ डू वी पुल इट ऑफ। आई थिंक ऑल क्रेडिट टू अभिषेक। मेरे पास दो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं ये रिसर्च कर पाया, एक गूगल और एक जॉन। सो बेसिकली थैंक्स टू इंटरनेट, जो पुराने आर्टिकल्स थे और जो कई सारी किताबें हैं जो लिखी गई हैं इस पर, इवन फ्रॉम अमेरिकन परस्पेक्टिव न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर, कई बार क्योंकि हम एक्चुअली हम लोगों ने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया था, उनकी सेटेलाइट्स को बेवकूफ़ बना दिया करते समय, तो अमेरिकन परस्पेक्टिव भी है कि कैसे इंडिया ने ये किया था। उनके CIA के जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो निकालना भी बहुत आसान है। फिर उसके अलावा जॉन की वजह से और कुछ हमारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जहाँ हम 80 लोगों से मिले ऑफ द रिकॉर्ड, जिन्होंने बताया क्या क्या हुआ था एक हद तक, क्योंकि जैसा आपने बोला नेशनल सिक्योरिटी इशू हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा बताएंगे, तो वहाँ तक वो लोग नहीं गए, लेकिन कुछ चीज़ इमेजिनेशन पे भी छोड़ी जाती हैं। लेकिन बहुत हद तक इतना मटेरियल मिल गया था, एंड मैं 3 साल से इसके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो इतना मटेरियल हमें मिल गया था कि सिर्फ ये ज़रूरत थी कि जब आप उन लोगों से मिलें तो आप सिर्फ पूछ पाएं कि मेरे ये रिसर्च करेक्ट है या गलत है या सही है, आई मीन करेक्ट है या गलत है। सो वो हमें करना था और उसके लिए यू नो वी मेट सम पीपल। सो मुश्किल तो था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना चाहते हैं वो बन सकती है, लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे अगर आप आपका उद्देश्य जो है वो ऑनेस्ट है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए क्या था, क्योंकि ये टेरेन जहाँ पे शूट किया गया है वो भी काफ़ी अलग है, तो कितना डिफिकल्ट और कितना आसान था आपके लिए पूरा? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, मुझे डर लग रहा था क्योंकि शूटिंग पे आई न्यू द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 50 डिग्री, 51-54 डिग्रीज वैसे। लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट जो था वो प्री प्रोडक्शन था और उसके बाद अभी मार्केटिंग है। लेकिन शूट के टाइम पे कुछ टिपिकल नहीं था क्योंकि अभिषेक इतने प्रिपेयर्ड थे, हम लोग भी इतने प्रिपेयर्ड थे एज प्रोड्यूसर्स, वी न्यू एवरीथिंग। तो और हमने ये फिल्म को रिकॉर्ड टाइम में फिनिश किया, वी फिनिश 2 डेज इन एडवांस। तो कितने दिन में शूट कर लिया था? आई थिंक टोटल 50 डेज हमारा प्लान 50-53 डेज का था, लेकिन दो दिन पहले हम लोग ने रात, और ये डिस्पाइट द फैक्ट कि एक दिन पूरा सैंडस्टॉर्म खा गया था, तो शायद हम 3 दिन अंडरस्कैट होते अगर वो दिन मिल जाता। सो इट वॉज फैंटास्टिक। तो शूटिंग में कुछ मुश्किल नहीं था। तो आप लोगों को एक्चुअल लोकेशन तक जाकर वहाँ पे शूट करने का मौका मिला राजस्थान में? बिल्कुल बिल्कुल। सो हम लोगों ने पोखरण सिटी में भी शूट किया है, हम लोगों ने जैसलमेर के डेजर्ट में भी, जो पूरा आर्मी कैंप था जहाँ पे ये टेस्ट हुए न्यूक्लियर रेंज, हमने वो रिक्रिएट की तो वो डेजर्ट में थी। और उसके अलावा हमने दिल्ली में, मसूरी में और मुंबई में तो खैर किया ही है, तो सब जगहों पे किया रियल लोकेशन। जब हम लोग ट्रू इवेंट पे बेस फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिक्शनलाइज भी करना पड़ता है, ड्रामेटाइज भी करना पड़ता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो इसमें फिक्शन का पुट कितना है? हालांकि ये ट्रू स्टोरी है लेकिन फिर भी फिक्शनलाइज किया तो होगा, तो उसके बारे में? आई थिंक 2 or 3 पीपल जो रिस्पॉन्सिबल थे इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, वो एक कलाम साहब थे, चिदम्बरम वॉज द काकोटकर, इनके जो नेम्स हैं हम लोग वो नेम्स को इस्तेमाल नहीं कर सके, वो नाम को इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि बायोपिक इश्यूज, राइट्स इश्यूज होते हैं। तो नाम जितने सारे थे हमने चेंज कर दिए, प्लॉट पॉइंट्स आर फैक्चुअल, प्लॉट पॉइंट्स आर रियल, और एक ही फिक्शनल कैरेक्टर है वो मेरा कैरेक्टर है। जैसे मद्रास कैफे में भी मेरा कैरेक्टर जो था वो फिक्शनल था, इसमें भी मेरा कैरेक्टर जो है फिक्शनल कैरेक्टर है, बिकॉज यू नीड टू पुट द कैमरा ऑन समवन्स शोल्डर्स टू सी द फिल्म, इसलिए आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर इन द फिल्म। फिल्म का मेन हीरो
इज माय डायरेक्टर. आपने मद्रास कैफे की बात की, वो फिल्म मैंने देखी थी, सुजीत सरकार ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो एक सब्जेक्ट जो था, वैसी फिल्म कभी हिंदी सिनेमा में नहीं बनी थी. परमाणु भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि किसी ने टच नहीं किया है, तो बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है. LTT पे बेस्ड थी मद्रास कैफे. वो जो एक पॉलिटिक्स होती है वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स थी. तो आपने वो फिल्म भी की और ये फिल्म भी की, अगर मैं दोनों फिल्म की तुलना करने के लिए तुलना अगर मैं करूं और आपसे पूछूं कि किस में ज्यादा काम करके आपको ज्यादा मजा आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इट्स लाइक आस्किंग अ फादर हु अबाउट हिज टू चिल्ड्रन. ये दोनों मेरे बच्चे हैं एंड आई जस्ट फील वेरी ऑनेस्ट. क्या दोनों के क्या चैलेंज? मैं आपको एग्जैक्टली, अच्छा सवाल पूछा आपने, बट आई विल टेल यू द राइट आंसर फॉर दिस. मद्रास कैफे से मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि फिल्म बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छी बनाई गई थी, बट इट रीच्ड अ वेरी स्मॉल ऑडियंस क्योंकि फिल्म काफ़ी इंटेलिजेंट थी. तो परमाणु के साथ अभिषेक ने जो किया है, इस फिल्म को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है. क्योंकि हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि वी रीच एवरीबडी इन इंडिया, आम जनता तक पहुंचे हम लोग. तो ये फिल्म को अभी आप सोचिए, बॉम्ब्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन BARC DRDO, इतने सारे एजेंसीज है, इतने सारे टर्म्स है, उसको सिंप्लीफाई करके एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए हाउ मच डू हैव टू सिंप्लीफाई. तो ये मैंने मद्रास कैफे से सीखा और मैंने कहा कि मैं फिल्म इतना ज़्यादा भी ये नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, मेक इट सिंपल सो इट रीचेज एवरीबडी. तो मैं कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, परमाणु एक बहुत ही सिंपल फिल्म है, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स स्टोरी वेरी सिंपली टोल्ड है, सबको आसानी से समझ में आएगी. जैसे ये एडिट रूम में मैंने मेरे संजय जो है, ये जो सफ़ेद टी शर्ट में जो आपको चाय पिला रहे थे अभी बाहर, इन्होंने फिल्म देखी और इनको मैंने पूछा एडिट रूम में विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक, इनको मैंने पूछा कैसी लगी फिल्म, क्योंकि उनके आंख में आंसू थे. इसे ये तो खुशी के आंसू है सर, ये इंडिया पे बेस्ट फिल्म बनी है. मुझे पता नहीं था कि मेरे देश में ये जवान लोग और हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया. सो आई सेड, लेकिन फिल्म समझ में आई? सिंह, सब कुछ समझ में आया सर, मैं अपने फैमिली के साथ 5 बार देखूंगा ये फिल्म. तो वो रिएक्शन था, वैसे रिएक्शन चाहिए था. और मैं क्रेडिट अभिषेक को देना चाहता हूँ कि इतने कॉम्प्लेक्स स्टोरी को सिंपल बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था. लाइक ही सेड कि इनका कैरेक्टर सिर्फ फिक्शनल है, बाकी सब इंस्पायर्ड है फ्रॉम रियल, बट समवेयर मुझे लगता है बहुत सारे अश्वत्थ थे इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ब्यूरोक्रेसी ने सब सपोर्ट नहीं किया. पहली बार था जब हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस एक साथ, आर्मी, यू नो, सब एक साथ आए थे. इवन मैं कहता हूँ विलेजर्स, क्योंकि खेतोलाई गांव ने बहुत मदद की. मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि खेतोलाई गांव जो है उसको हिंदुस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके सैक्रिफाइसेस भी रहे. अच्छा। कि ये टेस्ट हो पाया. अनसंग हीरोज हैं वो अनसंग हीरोज हैं खेतोलाई गांव. एंड आई रियली होप कि आपके चैनल के माध्यम से हम बोल सके थैंक यू उनको, क्योंकि पोखरण रेंज के पास रहते हैं, यू नो, सबसे पास गाँव जो है खेतोलाई है. सो उन लोगों का भी बहुत योगदान रहा है. उनको उनको भनक लग गई थी, फिर भी किसी को नहीं बताया. अच्छा। कि हाँ ये हो रहा है. उनके मकान हिले थे जब परमाणु टेस्ट हुआ, लेकिन वो फिर भी उनको गर्व था. घर में दरार आ गई थी, पर उन्होंने बोला था कि नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देश जो है वो स्ट्रांग बने. तो समवेयर इवन दोज विलेजर्स, आई रिमेंबर दैट लाइन दैट आई थिंक योगी सेड, क्योंकि व्हेन वी मेट पीपल, किसी ने बोला कि ये मेरा दीवार टूट गया. आई थिंक दीवार तो टूट गया, लेकिन हिंदुस्तान तो बन गया ना. क्या बात है. एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, क्या आपको उस दिन की याद है जब आपको ये पता चला था कि टेस्ट हुआ है और भारत परमाणु संपन्न देश बन गया है? तो कुछ याद है उस दौरान की, 20 साल पहले इस वक्त पे मैं MBA कर रहा था एंड आई वाज सब. तो हम लोग काफी पॉलिटिकली अवेयर थे. मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मेरे कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस नहीं है, क्योंकि जब भी मद्रास कैफे बनाई लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस की फिल्म है, अभी परमाणु के बाद लोग बोलेंगे कि ये BJP की फिल्म है. सो आई हैव नो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, बट वी आर इवन माय डायरेक्टर, वी डोंट हैव एनी लीनिंग्स. लेकिन हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई, लेकिन उस वक्त में मैं काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर था. तो हमें पता था कि टेस्ट हुए, इट्स अ प्राउड मोमेंट. लेकिन शूटिंग करने के दौरान, मतलब शूटिंग करने के पहले, ऑन द रिसर्च आई लर्न सो मच, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि शाफ्ट्स के नाम क्या थे. आई न्यू ताजमहल, व्हाइट हाउस, कुंभकर्ण, तीन शाफ्ट्स के नाम, बट देन यू लर्न सो मच मोर के ड्राई वेल्स को ऐसे किया था उन्होंने. आई डिडंट नो ऑल दिस. तो ये काफी कुछ सीखने को मिला, और मेरे हिसाब से ऑडियंस को भी ये सीखने को मिलेगा. इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन
ये फिल्म कमर्शियल है, एंटरटेनिंग है, बोरिंग नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट इज ऑन द एज ऑफ द सीट थ्रिलर। चलिए अभिषेक और जॉन, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।